आज के वीडियो में बात करेंगे ओप्पो A76 जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए एक न्यू अपडेट को ऑफिशियली रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। उस अपडेट का न्यू वर्जन क्या देखने को मिलता है, अपडेट की साइज क्या देखने को मिलती है, अपडेट के साथ में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं और ये अपडेट एंड्रॉइड 13 ऑफिशियल पर देखने को मिलता है और जिन्हें इसका डिवाइस अभी भी एंड्रॉइड 12 पर रन कर रहा है उनको अभी तक एंड्रॉइड 13 का ऑफिशियल देखने को नहीं मिला है तो आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो A76 डिवाइस के न्यू अपडेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एंड्रॉइड 12 यूजर्स को बताना चाहूंगा कि अगर आपके डिवाइस में अभी तक एंड्रॉइड 13 का ऑप्शन देखने को नहीं मिला है तो आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाने का सॉफ्टवेयर क्लिक करना है, वहां पर अभी जो भी सिक्योरिटी पेच आउट देखने को मिल रहा है पहले आपको उसे अपडेटेड कर लेना है ताकि आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 13 का ऑप्शन आएगा तो फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 13 का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर बेच बाय बेच और लिमिटेड सेटों के साथ प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आपको आगे पीछे अपडेट देखने को मिलता है, मतलब सभी यूजर्स को एक साथ अपडेट देखने को नहीं मिलता है। तो आपको जनवरी के लास्ट वीक में ये अपडेट कभी भी देखने को मिल जाएगा तो आपको वेट कर लेना है एंड एक्टिव रहना है। अब हम बात करते हैं कि जिन्हें इसका डिवाइस एंड्रॉइड 13 ऑप्शन पर रन कर रहा है उनके डिवाइस में न्यू अपडेट देखने को मिला है तो आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, वहां पर एक न्यू अपडेट शो होगा जिसका आपको लास्ट में वर्जन चेक करना है। F.57 का न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आपके डिवाइस में F.57 का न्यू अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है तो आपको विद इन 5 वर्किंग डे का वेट करना है, उसके अंदर ये अपडेट भी आपको आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा और अपडेट की साइज आपको 742 MB के आसपास देखने को मिलती है और यहाँ पर इस अपडेट के साथ में लेटेस्ट सिक्योरिटी पेच अपडेट को प्रोवाइड किया गया है और आपके डिवाइस की स्मूथनेस परफॉर्मेंस को और भी इम्प्रूवमेंट किया गया है और आपके डिवाइस में जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे उन्हें भी यहाँ पर सोल्व किया गया इस अपडेट के साथ में, तो आपको भी अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पर इस छोटे स्टूडियो में यही तक वीडियो को लाइक कर देना, अधिक आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता हूँ तब तक, ले बाय, टेक केयर।